महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से ली जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने इस बार से पैटर्न में बदलाव किया है यही वजह है कि इस बार गत वर्ष की तुलना में परिणाम में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। वही स्कूल से प्रैक्टिकल अंक मिलने से छात्रों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि गत वर्ष के पहले तक 80 से 20 अंकों के पैटर्न के अनुसार परीक्षा ली जाती थी। 80 अंकों की थ्योरी और 20 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा होती थी। इसके अंक स्कूल की ओर से मिलते थे। अधिकांश स्कूल छात्रों को शत प्रतिशत अंक देते थे, जिससे परिणाम भी अच्छा आता था। लेकिन विभाग ने 2019 में उक्त पैटर्न को बंद कर दिया। इसका सीधा असर परिणाम में भी देखने को मिला। गत वर्ष 1,64,751 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 1,62,005 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 1,08,977 छात्र उत्तीर्ण हुए थे, जिनका कुल पासिंग परसेंटेज 67.27% था, जो कि 2018 की तुलना में करीब 18% कम था। कम परिणाम की मुख्य वजह परीक्षा पैटर्न में बदलाव ही माना जा रहा था। जैसे ही विभाग के ध्यान में यह बात आई, उसी समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने पुराने पैटर्न से ही परीक्षा लेने की घोषणा की थी। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी सहित नकल रोकने के लिए विभागीय स्तर सहित जिला स्तर पर उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। सभी दस्तों को पहले दिन से ही निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। 10वीं में अंग्रेजी और गणित के पेपर में सर्वाधिक नकल की संभावना रहती है। कुछ केंद्रों पर अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर बैठा पथक तैनात किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर बनाए गए पथक भी सक्रिय रूप से कार्यरत रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मेरी की रिपोर्ट।